शरीर को स्वस्थ रखने में योग का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। लगातार योग को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों और कॉलेजों की शिक्षा में भी योग को शामिल किया जा रहा है। अंबाला छावनी के वॉर हीरोज मेमोरियल में 75 लाख सूर्य नमस्कार अभियान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जिन्होंने रिबन काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। वॉर हीरोज मेमोरियल के चारों तरफ लोग नजर आ रहे थे जो सूर्य नमस्कार के लिए तैयार थे। पूरा ग्राउंड बच्चों और योग संस्थाओं से खचाखच भरा हुआ था। आज के इस कार्यक्रम में 75 लाख सूर्य नमस्कार का टारगेट रखा गया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मंच से संबोधन के दौरान कहा, सरकार आयुर्वेद पद्धति को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। MBBS 5 साल करनी होती है, जिसमें वे कोशिश कर रहे हैं कि 4 साल एलोपैथी पढ़ाई जाए, 1 साल आयुर्वेद की पढ़ाई करवाई जाए। विज ने कहा, इसके लिए जिससे लड़ना पड़े लड़ लेंगे। विज ने कहा कि कोर्स तैयार करने के लिए टीम बना दी गई है, ताकि प्राचीन विद्या का भरपूर इस्तेमाल कर सकें, आयुर्वेद यूनानी को बढ़ावा दे सकें। हम तो एक काम और करने जा रहे हैं, कहीं किसी से लड़ना पड़ेगा तो लड़ लेंगे। हम चाहते हैं कि MBBS का 5 साल का कोर्स है ना, 4 साल एलोपैथिक पढ़ाओ, 1 साल आयुर्वेदिक पढ़ाओ। इसके लिए मैंने टीम्स बना दी हैं वो कोर्स तैयार करने के लिए, क्योंकि हम अपनी जो हमारी प्राचीन विधा है, हम उसका भी भरपूर इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम आयुर्वेद को, यूनानी को, सिद्धा को, इन सब को बढ़ावा देना चाहते हैं। भाई, अगर मीठा सोडा खाने से पेट ठीक हो सकता है तो इंजेक्शन जरूर लगवाना, खा लेंगे। अब योग करने के लिए आए हैं और मैं देख रहा हूं कि आप पूरी तैयारी कर रहे हैं, आप करें। और जिस ढंग से योग आयोग तैयारियां कर रहा है, और इन्होंने आजादी के 75वें वर्ष में जो 75 लाख योग करने का इन्होंने निर्णय लिया, इन्होंने स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन से, वो विवेकानंद जिसने कहा था उठो और जागो, और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं करो। युवाओं को नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी की तरफ लगाने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी, ताकि युवक भटक कर गलत रास्ते पर ना चला जाए, नशे की ओर ना चला जाए, क्योंकि ये कड़ियां जुड़ी हुई होती है। आप जिसका हाथ पकड़ोगे उसके साथ ही चलते जाओगे, अगर आप किसी नशा करने वाले का हाथ पकड़ोगे तो फिर तरह तरह के नशे करते चले जाओगे। और अगर आप कोई पॉजिटिव काम करने वाले, जैसे ये योग हो गया, इसको पकड़ लोगे तो फिर सारा दिन पॉजिटिव क्रियाएं की तरफ ही आपका दिमाग जाएगा, आप पॉजिटिव काम ही करोगे। मुझे योग अयोग की सोच, उनके कार्य पर भरोसा है। इन्होंने 75 लाख टारगेट रखा है, पर मुझे लगता है कि ये उससे 10 गुना ज्यादा करेगा, 10 गुना ये उससे ज्यादा करेंगे। जब से बना है इसने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, बहुत सारे अवार्ड भी इनको मिल चुके हैं, और मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने योग को खेलों में शामिल कर दिया। अभी
खेलो इंडिया हुआ था हरियाणा में, तो उन खेलों में योग भी एक खेल के रूप में भी इसको शामिल कर लिया अपने जीवन को निर्बल बनाने के लिए, राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि राष्ट्र कोई इट्टी मिट्टी गारे चूने सुर्खी का नहीं, राष्ट्र लोगों का होता है। जिस देश के लोग मजबूत वो राष्ट्र भी मजबूत, मजबूत करने के लिए आप इस दिशा में आगे बढ़े हैं, आप भी बढ़े औरों को भी चलाएं और अपने भारत को मजबूत बनाएं। धन्यवाद। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमारा पेज फॉलो करें और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।